नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष जराहट के। देख रहे मैं हूं आपके साथ आपका संतोष संतोषी। पितृ ऋण का ऐसा दुष्परिणाम आपने सोचा नहीं होगा। पितृ ऋण कुंडली में अगर आपके हैं तो एक बड़ा दोष लगता है और यह दोष न केवल पुरुष अपितु स्त्री को भी लग जाता है। इस दोष के कारण कई बार दाम्पत्य जीवन, कई बार गृहस्थ जीवन और कई बार व्यक्तिगत जीवन, एक व्यक्ति विशेष का जीवन नरक बन जाता है। क्या इस दोष को दूर किया जा सकता है? 110% दूर किया जा सकता है। क्या अगर हम इस दोष को भाग्य का खेल माने तो भाग्य में अगर यह दोष था तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर भी है मेरे पास। इसको दूर यूं किया जा सकता है कि यह दोष अस्थाई होता है, ये आप नहीं जानेंगे, ये ज्योतिष का शोध जानेगा, एक रिसर्चर ज्योतिषी जानेगा कि अगर यह दोष दूर हो गया तो इसका सबसे बड़ा सुख आपको मिलेगा। दोष क्या है? अगर आपकी कुंडली में पितृ ऋण है तो इसके सबसे पहले तो हम आपको सिम्टम बताते हैं। ऐसी स्थिति में घर में पुरुष की कमी रहेगी, यह किसी भी रूप में हो सकती है। पुत्र गर्भ का क्षय, अकाल मृत्यु, विधवा या एक्सीडेंटल डेथ आदि की संभावना प्रबल हो जाता है। एक स्त्री के जीवन में पिता, भाई, पति, प्रेमी आदि का सुख कम हो जाता है। स्तर स्तर पर, अलग अलग लेवल पर यह फल जीवन में हमारे प्राप्त होता है। कुंडली में सूर्य राहु के साथ अथवा नीच का अथवा वृषभ और कन्या राशि में विद्यमान होता है। मैंने अपने शोध में कई बार कर्क के सूर्य को भी इसमें प्रभावी देखा है। दूसरे अर्थों में देखा जाए ज्योतिषीय एंगल से तो शनि की प्रधानता होती है। कुंडली में शनि का दबदबा होता है, मसलन लग्न लग्ने शनि, जैसे मकर या कुंभ लग्न। चंद्रमा का मकर या कुंभ राशि में रहना, ज़्यादातर ग्रहों का मकर या कुंभ में रहना, शनि की दृष्टि में 4 या 5 ग्रहों का आ जाना, जैसे शनि की 3 दृष्टियां हैं, 3, 7, 10, इन 3 दृष्टियों से शनिदेव ने 5-6 ग्रहों को देख लिया तो शनि की प्रधानता हो गई। ऐसी स्थिति में पितृ दोष, पितृ ऋण की प्रबलता हो जाती है। अब हो तो गया, हो गया तो इसके सिम्टम जो बहुत बड़ा दंश हम बताने जा रहे हैं, आज रहस्य खोलेंगे, वह स्त्री पुरुष दोनों पर अप्लाई होगा और इतना गहरा शोध नहीं किसी ने बताया होगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही सबके बस का बात नहीं है। कोई पहुँच भी गया इन प्रकारण तो उसको पितरों से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। वो आपके संतोष संतोषी कर सकते हैं और कर दिए तो भैया अब हम आपको बता देते हैं, आपकी कुंडली में अगर पितृ ऋण है तो उसका एक बहुत बड़ा दोष, इधर मैं बहुत सारी कुंडलियों में देखने को पा रहा हूँ, और वो है नपुंसकता, इम्पोटेंसी।
संतान पैदा कर पाने में अक्षमता, जो सक्षम नहीं है, सब ठीक है। स्पर्म काउंटिंग पुरुष का एक होता है एकमात्र, बिल्कुल ठीक है, बाकी भी कोई बायोलॉजिकल दोष नहीं है, शरीर के अंग में किसी तरह की समस्या नहीं है, फिर भी संतान गर्भधारण नहीं हो रहा है और मेडिकल रिपोर्ट सब ओके आया है, पितृऋण है, या अचानक से स्त्री पुरुष के अंगों में ही शिथिलता, जैसे पुरुष बहुत सक्षम नहीं है स्त्री को यौन सुख दे पाने में और कोई न कोई दोष आ जाता है, स्त्री को पुरुष यौन सुख नहीं दे पा रहा, स्त्री के अंदर से ही अनिच्छा हो गई, पुरुष को समीप नहीं आने देती स्त्री, इस प्रकार से भी, और ये सब अचानक हुआ, आप बिस्तर पर जाते हैं अचानक से झगड़ा बढ़ जाता है, आपके बिस्तर पर जाते ही झगड़ा बढ़ जाता है, स्त्री या पुरुष यौन सुख बाहर तलाशने लग जाते हैं, पुरुष किसी और से, स्त्री किसी और से, तो ऐसी समस्त स्थितियों में यह बात अटल सत्य है कि सूर्य और शुक्र का संबंध होगा, ये सारी स्थितियाँ इस प्रकार के दोष को जन्म देती हैं। क्या करें, सबसे पहले तुरंत आप एक बार कुंडली लेकर उपस्थित हो जाएं, आइए दिखा लीजिए और पति पत्नी दोनों आवें, आप अकेले हैं तो आप आए, जरूर मिल लें आप, ये स्थिति बढ़ जाती है कई बार, परिवार में संबंध विच्छेद, डाइवोर्स, भाई संतानें सुख नहीं रहेगा, यौन सुख नहीं रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन तो ऐसे भी नष्ट होना ही होना है, तो तुरंत आप इसके लिए मिलिए और इसकी शांति कराई जाती है, आप एक बार खुल के बात करेंगे, बैठेंगे, इसका निष्कर्ष निकलेगा, कई बार कूख बंधन, योनि बंधन आदि जैसी तमाम अभिचारिक क्रियाएं भी, पितृऋण में सूर्य मजबूत नहीं रहेगा तो तांत्रिक अभिचार भी हो जाते हैं, इसकी वजह से भी संतान सुख में बाधा आ जाती है, तो ये भी शांति हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, घर से आना पड़ेगा कुंडली लेकर। अभी गया जी में हम लोग आएंगे 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, मिल सकते हैं आप लोग, आ सकते हैं, पितरों की शांति के लिए गया जी ही एकमात्र जगह है, मिलकर वहाँ पर आप शांति करवा सकते हैं, भागवत का भी आयोजन होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन है इसका हल, घर बैठे नहीं, निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, कुंडली दिखाना पड़ेगा और उसका उपाय करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, मुलाकात कर सकते हैं लखनऊ, इंदौर, पुणे, मुंबई आदि शहरों में, जानकारी के लिए कार्यालय के नंबर पर व्हाट्सएप करें, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोष जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में
पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक। Thank you.